जंगल में जितने जानवर रहते हैं। अच्छा कभी सुना है आपने शेर ने गाय को पकड़ा हो कि आओ तेरा दूध पीऊं, पहले मैं मेरे को कैल्शियम चाहिए। अच्छा फिर उसने बोला गाय को आ तेरा मांस पहले पकाऊंगा, भूनूंगा, तेल लगाऊंगा, फ्राई करूंगा, फिर खाऊंगा। जो जानवर दुनिया में जो भी जानवर जो खाता है वो उसको खाने के लिए बना है। एक इंसान ही ऐसा जानवर है जो सब कुछ खाता है, बस अब इंसान बचा है, बाकी इंसान को भी खाएगा थोड़े दिनों में। अभी हो चुका है वैसे, दिल्ली में इंदौर में एक घटना आ चुकी है, एक इंसान ने अपनी बीवी को मार के तल के खाया पकोड़ा बना के। उसको इतनी खुंदक थी अपनी वाइफ से, उसने उसके टुकड़े करे और छोटे टुकड़े बेसन में तल के पकोड़े बना के खाए। ये अखबारों में भी खबर आई थी, ये 6 महीने पुरानी बात है, बट ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई क्योंकि उसमें कुछ एंगल नहीं होगा ना, कोई एंगल नहीं होगा, तो उसको मानसिक रोगी बता दिया उन्होंने। तो थोड़ा सा अपने पतियों को कम दुखी किया करो, क्योंकि मैंने आते ही आप लोगों को देवी भगवान बता दिया था, मैं कहा घर जाके कहीं चढ़ जाओ सिर पे। तो थोड़ा सा इनको कम दुखी किया करो और आप लोग भी थोड़ा इनकी इज्जत किया करो। तो दोनों पक्ष ले लिए मैंने, बराबर कर दिया हिसाब। हाँ जी बोलो सर, बच्चे को क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम? सर नहीं बताओ होता क्या है, इतने दिन में तो आपको नॉलेज ले लेनी चाहिए थी। प्रॉब्लम सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, नेफ्रो का मतलब क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब क्या है कि आपकी किडनी ओवर प्रेशराइज है, आपकी किडनी प्रेशर में है, आपकी किडनी ओवरलोडेड है। कृपया करके लोड घटा दो, कृपया करके उसका दूध बंद कर दो, उसकी दही बंद कर दो, मलाई बंद कर दो, पनीर बंद कर दो, कृपया करके हाथ जोड़ के अंडा मत खिला देना गलती से। अरे ले लो स्वाद, मैं क्या करूं बताओ, अब डॉक्टर भी तो महान है, अब क्या करूं। अरे मैं क्या करूं बताओ, मेरे पास अब कुछ बचाने बताने को बचा नहीं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब क्या, मैं आपसे मतलब पूछ रहा हूं कि मेरी किडनी प्रेशराइज है, ओवरलोडेड है, कृपया करके लोड घटा दो। अच्छा एक बात सुनो, आपके घर में लोड ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे? आपका जनरेटर कई बार बैठने लग जाता है, क्यों? क्योंकि लाइटें ज्यादा जला देते हो। कई बार आपका इन्वर्टर पी 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 करता है क्योंकि लाइट एक पंखा, फिर आप क्या करते हो, एक पंखा बंद करते हो, एक लाइट बंद करते हो, फिर देखते हो अच्छा पीपी हो रही है, अच्छा अभी भी हो रही है, एक लाइट और बंद करते हो, फिर जब पीपी बंद करते हो आप कहते हो ओके अब लोड ठीक है। अच्छा फिर अगर आप लोड ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा, वो बैटरी जो 4 घंटे का बैकअप है वो कितनी देर चलेगी, 2 घंटे या 1 घंटा या आधा घंटा? सीधी सी बात है, आपके घर में कॉमन सेंस है कि अगर ओवरलोडेड चीज है तो क्या करना है, लोड कम करना है। तो किडनी ओवरलोडेड है, अब क्या करना है, अंडे ओवरलोड डालेंगे कम करेंगे, पहले तो ये बताओ। हाँ नहीं जी, नहीं बड़ी आसानी से आपका बच्चा 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये खिला दोगे जिंदगी भर किडनी का पेशेंट बन जाएगा, बाद में डायलिसिस शुरू हो जाएगा, फिर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, फिर आपकी बीवी को घूरेंगे किडनी दे भाई, या तो बीवी से या बहन से किडनियां ली जाती हैं भारत में। आपको पता है भारत में एक रिसर्च हुई अभी पीजीआई चंडीगढ़ में, 1,000 लोगों की स्टडी की गई, 1,000 लोगों की स्टडी की गई पुरुषों की जिनकी किडनियां फेल हुई, उनको उनकी बीवी या बहन ने दे दी, और 500 महिलाओं की रिसर्च की गई जिनकी किडनियां फेल हो गई, किसी पुरुष ने नहीं दी। रो इनके साथ घर में, नहीं देते ये। नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे भाई के साथ आया हूँ हाँ जी सर, बोलो सर। मेरा व्यूअर अरे 2 माइक है ना, एक माइक ही बांटो ना, एक माइक मत दो, 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 दो कंफ्यूज होते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे दो, पूछ लो उनसे, पूछो पूछो इसके बाद। मेरा वो व्यूअर का साइज कम हो गया है, कैसे पता मेरा आपको साइज कम हो गया, क्या आगे लिखा उसमें, 2 सेंटीमीटर का बॉडी था, कितना साइज होता है लीवर का, 15 या 15 से बॉडी आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर। आप कितना चाहते हो? आपको दिक्कत क्या आ रही है? आप सवाल गलत पूछ रहे हो, आपका सवाल ये होना चाहिए मेरा लीवर फेल हो गया है, अगर पेट में पानी भरता है तो लीवर फेल हो गया है। आपका लीवर 95 या 98% काम नहीं कर रहा,
पानी तभी भरेगा जब लीवर सूख जाता है। आप लोगों ने घर में आटा गूंदा, आटा जब आटा गूंद के छोड़ देते हैं तो वो आटा पत्थर बन जाता है थोड़े देर बाद, वो 2 घंटे 6 घंटे अगले दिन सुबह तक, ऐसा लीवर हो जाता है, उसको लीवर फेल बोलते हैं उनकी भाषा में। आपको बोलेंगे लीवर ट्रांसप्लांट करा लो, बोल दिया हाँ बोल दिया मैडम माइक दो इनको, पूरी बात करो, आपको बोल चुके हैं लीवर ट्रांसप्लांट करा लो। नहीं बोला नहीं है, करना पड़ेगा शायद, करना पड़ेगा शायद। कितना खर्चा आएगा वो तो नहीं बोलो, पूछ लेते ना साथ में, 50 लाख रुपए कम से कम, अच्छे हॉस्पिटल में, मरे से मरे हॉस्पिटल में 30 लाख रुपए। आपकी बीवी से या बहन से या मम्मी से या भाई से लीवर मांगा जाएगा। लीवर ट्रांसप्लांट में होता क्या है, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का 20 पैसे, कितना मतलब 20% लीवर निकाला जाएगा इनकी बॉडी में, इनका फेंक दिया जाएगा और वहां डाल दिया जाएगा, और 1 से 1.5 साल वेट करेंगे, लीवर पूरा स्वयं बन जाता है। लीवर बॉडी का एक ऐसा अंग है जो अगर 20 पैसे भी जिंदा हो तो पूरा अपने आप बन जाता है, मतलब ये भगवान से भी बड़ा भगवान है, मतलब बाप है भगवानों का भी लीवर हमारा। और जो भी बीमारी आती है किसी को, कोई भी, उसमें लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कोई भी बीमारी का नाम बोलो, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, गैस, तेजाब, पेट खराब, कब्जी, किडनी फेल, शुगर, कैंसर, सब में लीवर गड़बड़ मिलेगा, रिपोर्ट ठीक आएगी, लेकिन क्योंकि रिपोर्ट की एक लिमिट है, रिपोर्ट तब तक ठीक आएगी जब तक लीवर 70% फेल नहीं हो जाएगा, यानी कि 70% जब खराब होगा, क्योंकि रिपोर्ट की जो टेस्टिंग की जो चेकिंग का टेक्निक है वो पकड़ती तभी है जब 70% से ऊपर खराब हो जाता है। जैसे ये व्यक्ति यहां खड़ा है, अगर मैं इसको पर्दे के पीछे खड़ा करूंगा तो नजर नहीं आएगा, लेकिन क्या व्यक्ति खड़ा है कि नहीं खड़ा, लेकिन पर्दे के पीछे दिख नहीं रहा। अब आपका कैमरा ऐसा नहीं है जो पर्दे के पार देख पाए, इनकी जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं वो लीवर फेल को नहीं पहचान पाती 70% तक, और किडनी को 80% तक। ठीक, एक बात अब ध्यान से सुनो, आप पहचान सकते हो अगर आपको गैस, अब आपकी सवाल का जवाब आएगा, एक बार माइक दे दो चाहे, अगर आपको गैस बनती है तो समझो लीवर खराब हो रहा है, अगर आपको तेजाब बनता है समझो लीवर खराब हो रहा है, अगर आपका दिल की धड़कन बढ़ती करती है कभी कभार तो समझो लीवर खराब हो रहा है, अगर आपको कब्जी है तो समझो लीवर खराब हो रहा है, ये सारे लक्षण है लीवर खराब होने के। अगर आपकी जीभ, जीभ निकाल के देखो, अगर जीभ मोटी है तो लीवर फैटी है, अगर जीभ में कट लगे हुए हैं, अपने पड़ोस वाले को जीभ दिखाओ, अपनी अपनी जीभ आसपास वाले को दिखाओ, अगर जीभ में कट लगे हुए हैं, कट मतलब कट टुकड़े कटे हुए हैं बीच में, तो आपका लीवर 50% से ऊपर डैमेज हो चुका है। अगर आपके जीभ में पीछे 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 दाने हैं, कोई फुंसी जैसा है, कोई उभरा हुआ है, तो मतलब आपको जननांगों की या जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी जीभ में आगे की तरफ कोई दाने हैं या बहुत ज्यादा लाली है तो आपको लंग्स की या हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी जीभ के बीच में पूरी ऐसे क्रैक लाइन बनी हुई है तो आपका डाइजेशन सिस्टम 60% बैठ चुका है। अगर आपकी जीभ साइडों से कटी हुई है तो आपकी किडनी खराब होगी। आयुर्वेद में ऐसे पता लग जाता है बिना रिपोर्ट के, अगर आपकी जीभ पे 2 नीली लाइनें बनेंगी तो आपका गॉल ब्लैडर नहीं है या निकलने वाला है। बड़ा आसान है, इतना आसान है आप सोच भी नहीं सकते, और आप लोग हजारों रुपए लगा देते हो टेस्टिंग के नाम पे। आयुर्वेद में जीभ देख के, नाड़ी देख के, आंखें देख के, चेहरा देख के सब पता लग जाता है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता तो क्या करते हो, फिर हम कहते हैं करा लो भैया टेस्ट, और टेस्ट कराने भी चाहिए क्योंकि आपके थोड़े बहुत पैसे ठुकते हैं ना तभी सुधरते हो, कोई फ्री में सलाह दे दे आपको असर नहीं करती। तो भैया आपका यही लीवर ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 महीने तपस्या करनी पड़ेगी। कर लोगे, भर्ती हो सकते हो 10-15 दिन के लिए तो हो जाएगा ठीक। लीवर एक ऐसा अंग है, अगर 1% भी जीवित है ना तो वो पूरा ठीक हो सकता है।